हेलो दोस्तों, मैं आपको इसकी कटिंग, इसकी जो ऊपरी सिरा है इसको काटने को बता दूं। जब ये पेड़ आपके एक महीने के हो जाएं, तब इसका एकदम ये ऊपरी सिरा, ये जो ऊपरी सिरा है इसको आप अगर ऐसे इसकी नोच देंगे, इसको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इससे क्या होता है कि ये जो आपका पेड़ है नीचे से कल्चा ले लेगा। देखिए नीचे कितने बढ़िया कल्चा बने हुए हैं। अब ये जो पेड़ है ज़्यादा बढ़ेगा नहीं और बिल्कुल यहीं तक रहेगा और ये कब फ्लावरिंग अच्छी करेगा। तो वैसे मैं काट देता हूँ, देखिए इसका ऊपरी सिरा काटना है, सिर्फ ऊपरी, ये जैसे ये ऊपरी सिरा है, ये नहीं बोलते, ये इसको कटिंग बोलते हैं, इसकी खुटकिंग। इसकी आप खुटकिंग कर देंगे तो ये पौधा अच्छा ग्रो करेगा और अच्छे से ये फ्लावरिंग करेगा और इसका फैलाव ज़्यादा हो, इसलिए इसको करना जरूरी है। लेकिन इसको कब करना है, पौधा लगाने के जस्ट एक महीने बाद। अब देखो ये पौधा हमारे एक महीने के हो गए, इसको हमने खाद पानी सब दे दिया है, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसका फूलने का नंबर आ रहा है, एक महीने के बाद ये फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा और ये पूरा फिर होली के बाद तक अप्रैल तक चलेगा ये हमारा। इस तरह से अपन इसकी फिर कटिंग कर देते हैं, ये मतलब ऊपरी हिस्सा इसका, क्योंकि जो सीधे डाट, देखे ये जो डाट ग्रो ये जा रही है, ये डेली की ये जा रही है, पहला वाला ये जो जा रही है इसको तोड़ना है अपन, ये फर्स्ट वाला, ये इस तरीके से तोड़ना है। ये ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे नोच देंगे, ये देखिए ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे नोच देंगे, यही फेंक जाओ तब सूख जाए, ये इस तरीके से अपन। जैसे इसकी कटिंग अपन कर देते हैं तो यहाँ पर फंगस ना बैठने पाए, क्योंकि जैसे जैसे अपने शरीर में घाव हो जाता तो फंगस बैठता है, ऐसे इसमें ही फंगस बैठता है। तो जहाँ पर कटिंग इसकी करके इसमें तुरंत अपन स्प्रे कर देंगे किसी भी कीटनाशक का, फंगीसाइड हो गया, मकड़ी लगती है इसमें और फंगीसाइड ज़्यादा लगती है, तो इसके लिए अपन इसकी इसमें अपन तुरंत इसकी जो कटिंग कर देंगे, ये इधर पर इसका अगर स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा कि पौधे में कीड़े नहीं लगेंगे।